मारे, वैसे ही गोंदिया शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता गोपाल अग्रवाल को नसीहत दे डाली। आइए देखते हैं गोंदिया के मामा चौक के जनता का क्या है कहना। गोपाल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यानी ये कैसा सही है कि गलत है? ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो आमदार को जो लिया है ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने अनेक दिन 30 सालों से राजकारण कर रहे हैं और जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में जो जमीन तक नहीं थी उसमें सम्माननीय हमारे विनोद जी अग्रवाल जब गोंदिया में पैर उनने रखे और भाजपा की कई कांग्रेस के कई राष्ट्रवादी के एक विनोद भाऊ के नेतृत्व को देखते हुए कांग्रेस को राष्ट्रवादी को राम राम करते हुए उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आए और आज जो एक जीतने की एक उम्मीद पूरे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में हर गांव गांव में खेड़े खेड़े में गली गली में शहर में मोहल्ले में हर आम आदमी के नाम पे सिर्फ विनोद जी अग्रवाल आज एक व्यक्तिगत छवि हो गई है। और ऐसे परिस्थिति में गोपाल दास जी अग्रवाल को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पद में लिया है ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी इसकी चुनौती आने वाले विधानसभा में भोगना पड़ेगा, ये मेरा खुद का मत है। रितेश बताइए, गोंदिया विधानसभा में जो अभी राजनीति में भूचाल आया हुआ है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गोपाल अग्रवाल है, तो आपको क्या लगता है यानी कि यहाँ की राजनीति का क्या ग्राउंड होगा? ये एक तरह से वो गलत कर रहे हैं, है ना। हाँ। जो अपने विनोद जी अग्रवाल आज से 5 साल तक अपने बीजेपी कार्यकर्ता जो संभाले उनने, तो कैसा है उनने अपन जो अच्छे कर्म करने के बावजूद वो बिन फालतू यहाँ पर आ रहे हैं और आने का मकसद नहीं था उनका, यानी वो अपन से पूरे जो अपन जो मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो अपनी जो सीट है जो उनका विधायक की पद है वो यहाँ भाजपा में आकर भाजपा में फिर से विधायक बनने के लिए वो यहाँ पहुँच रहे हैं? हाँ वैसे ही कर रहे हैं, वो मंत्री पद के लिए हासिल करना चाहते। अच्छा, मंत्री पद हासिल करने का उनका ये मानस हुआ। गोंदिया की राजनीति में हाल ही में 10-15 मिनट पहले भूचाल आया हुआ है, स्थानीय विधायक गोपाल अग्रवाल कांग्रेस से सीधे बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे तो सब राजनीति है, राजनीति है। अभी पूरे देश के अंदर में लोग अपना दल बदल लिए। अच्छा। छोटा सा गोंदिया शहर है, बराबर। अब इसके अंदर काफी दिनों से जो कांग्रेस की यहाँ धुरा संभाले हुए थे, जो कांग्रेस को यहाँ मजबूतता से संगठन को खड़े किए हुए थे, और अचानक गोपाल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, इसके क्या नतीजे हैं? कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है पूरे देश के अंदर में। अच्छा, इसीलिए गोपाल दास जी ने सोचे कि चलो अपने गोंदिया के अंदर अपन भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, यानी आपको भी लगता है कि उनको राजनीति जैसी होती है, बस वही राजनीति चल रही है। राजनीति के इसमें फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर खबरें भी देख सकते हैं। साथ ही आप लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल पर भी हमारी खबरें देख सकते हैं। इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। बेबी। हाँ नहीं मैगी। हाँ प्लीज। ऑसम मैगी, वेज आटा मैगी। आटा मैगी? तुम बताते नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ कुछ बातें बता देनी चाहिए। रोड ट्रिप सॉन्ग्स ये क्यों? मैं गाऊंगी ना गोवा टू मुंबई, याद नहीं है वो कौन सा गाना था? याद है, याद है, इसीलिए। बुरा गाते हो? बहुत बुरा। अपनों की कुछ बातें सरप्राइज कर जाती हैं, जैसे नई वेज आटा मैगी का ऑसम टेस्ट जिसमें है सुनहरे गेहूं की गुडनेस, रंग बिरंगी सब्जियां और 20 चुनिंदा मसाले। नई वेज आटा मैगी, कुछ अच्छा पकाएं, आओ मैगी बनाएं। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ।